नमस्कार स्टूडेंट, आज हम जो देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के अध्याय दूसरे का प्रश्न, दूसरा प्रश्न का 12वां क्रमांक, प्रश्नावली 2 का 12वां क्रमांक। यदि आपको पृष्ठ क्रमांक देखना है तो 56, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप एक बार देखेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है क्लास के माध्यम से भी बहुत बढ़िया है और आपके बोर्ड के आधार पर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हल। देखो प्रश्न क्या क्या पूछ रहे हैं हमको, उसको पहले हमको फोकस करना है। दो स्थान है, उसका नाम है ए और बी, और इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कार है जो ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, चलना शुरू कर दिया। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, यदि वे एक ही दिशा में चले, ए और बी से एक ही दिशा में चले, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर ही चलना प्रारंभ करे तो वह 1 घंटे में ही मिल जाता है, ठीक है। तो हल सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माना हमको क्या करना है, कारों की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। जहां तो यहां लेते हैं चाल, है ना, माना कार पहले कार है ना, पहले कार की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, या किलोमीटर नहीं कहता हूं, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके उसी के बाद दे देता हूं मैं दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो हमको पहला कार और दूसरा कार जो है कितने घंटे में या 1 घंटे में कितने दूरी तय कर रहे हैं हमको पता नहीं है, उन्हीं को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए मानना पड़ता है, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या पूछते हैं या पहला कंडीशन क्या कहते हैं, यदि वो एक ही दिशा में चलती है तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। तो यहां लिखेंगे प्रथम प्रश्न अनुसार, है ना, प्रथम प्रश्न अनुसार पहला कार या पहले कार का, पहले कार का 7 घंटे बाद दूरी 7x किलोमीटर, 7x किलोमीटर, उसके बाद दूसरे कार का 7 घंटे बाद दूरी, ठीक है, 7y किलोमीटर, ठीक। मतलब 7 घंटे बाद वो कितने किलोमीटर चल चुका है, हाँ या चुकी है, उनको हम देखेंगे। तो 7x किलोमीटर और दूसरे कार का 7y किलोमीटर। तो कंडीशन शर्त क्या होती है, शर्त आपको याद रखना होगा, शर्तें, यदि कोई कार जो है, दो कार है, यदि एक दूसरे के ओर ही चल रही है, जैसे कि ये कार है, चलो यहां बता देता हूं मैं, दो स्थान है ए और बी, पहला कार है ना, पहला कार यहां से चलना शुरू करता है और दूसरा कार जो है यहां से चलना शुरू करता है। कहां कहां चलना शुरू कर रही है वो, ए से बी की ओर, दूसरा स्थान कहां है, बी, बी से अगले की ओर। अब ये इधर चलना शुरू करेगा एक ही दिशा में और ये इधर चलना शुरू करेगी, ठीक है। तो 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, तो देखिए इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में चले, है ना, एक ही दिशा में यदि वो चलता है तो क्या करेंगे, दोनों के बीच को अंतर घोषित करेंगे, अंदर, क्योंकि अंतर, क्योंकि वो एक ही दिशा में चल रही है उधर, है ना, तो उसको क्या करेंगे, दूरी को अंतर मतलब घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। यदि कार एक ही दिशा में चले तो
चालों की दूरी का अंतर ज्ञात की जाती है ना। अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा, चालों की अंतर, चालों की अंतर कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रहा है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा 7x-7y=, है ना। उसके बाद 7 दोनों में है, उभयनिष्ठ निकाल दो, तो 7x-y=70। तो x-y=70 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, भाग दे दीजिए तो 7-y = क्या हो जाएगा 10, भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, आप समीकरण 1 देंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं, यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इसी में, अब दूसरे शब्द क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रश्न अनुसार, द्वितीय प्रश्न क्या बोलते हैं, यदि वो एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब देखिए यहां से ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, मतलब 70 किलोमीटर को ही दोनों एक दूसरे की ओर तय कर रहे हैं, ठीक है। ए उधर जा रहा है, बी उसके विपरीत है, मतलब बी ए की ओर आ रहा है और ए बी की ओर जा रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अब ऐसा भी पूछा जाए कि एक दूसरे की ओर चलना शुरू करें तो क्या कर देंगे, दोनों के चाल को एड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उतनी दूरी वो भी तय करेगा और उधर से वो भी चलना, मतलब 70 किलोमीटर का दोनों मिलके दूरी तय कर रहे हैं एक दूसरे, तो 1 किलोमीटर में ही क्या जाता है वो, मतलब 1 घंटे में क्या जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, ठीक है। तो पहले कार द्वारा 1 घंटे में दूरी कितना जाएगा एक्स किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे कार द्वारा 1 घंटे में दूरी कितना दूरी तय करेगा, ये वाई किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को योग कर देंगे, लिख देता हूं यहां पे, यदि कार एक दूसरे की ओर चले तो चालों को क्या कर दिया जाता है, योग कर दिया जाता है, अर्थात चालों का योग कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए जोड़ देंगे तो x+y = कितना जाएगा 70, और समीकरण 1 है, इसको दे देंगे समीकरण 2, तो समीकरण 2 - समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, हमको मान निकालना है ना, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे आप x और y का मान ज्ञात करने के लिए इसमें घटा देंगे या जोड़ दीजिए, चलिए जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा x+y = 70, x-y = 10, जोड़ देंगे प्लस माइनस करते हैं, यहां भी प्लस हो जाएगा यहां भी प्लस, एक्स एक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x कैंसल हो जाएगा, ये ना यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, सॉरी इसको रहने दीजिए, जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 80, माइनस और प्लस तो माइनस ही होता है, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है। अब x = 80/2 क्या हो जाएगा, चलिए इसको मिटा देता हूं, इसका काम हो चुका है, ठीक है, भाग देंगे 2×8 और 2×0 = 0, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। इसका मान हो गया x का मान हो गया,
अब वाई का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण दो में लिख दीजिए, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, रख दीजिए तो एक्स प्लस वाई है समीकरण बराबर 70। अब एक्स का मान क्या रख देंगे 40 प्लस वाई बराबर 70, तो वाई पक्षांतर कर देंगे तो 70 माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, मतलब एक्स की चाल कितनी होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और वाई की दूरी कितने कितने हो जाएगी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, देखिए दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, 70 किलोमीटर है दोनों का योग। ठीक, तो इस तरह से आपको बनाना है, मैं बता चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास में भी आ सकता है ना, एक नंबर के लिए चाल बताइए इनकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय छत्तीसगढ़।